हेलो वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बी डी गुरुकुल आप सभी बच्चों का बी डी गुरुकुल में स्वागत है आज हम एम सी क्यू क्वेश्चन पर लेक्चर थ्री देने जा रहे हैं पिछले दो क्लास में हमने लेक्चर वन लेक्चर टू डिलीवर किए थे और इसमें इन एम सी क्यू क्वेश्चन का जो भी है सॉल्यूशन वो भी बता रहा हूँ साथ साथ हर क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन क्योंकि आपको पता है अभी सी बी एस ई टर्म वन जो पेपर होगा उसमें हाफ सिलेबस रहेंगे और टोटल के टोटल एम सी क्यू रहेंगे इसी आधार पर यहाँ पर पिछले हमने क्लासेस में क्वेश्चन वन से ट्वेंटी फाइव तक दे दिए हैं आप सभी बच्चे लेक्चर वन लेक्चर टू भी देख लो और यहाँ से आज लेक्चर थ्री हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन

एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन बाय फोर पाए एफ सैल नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर हे आर क्यू वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस वन पॉइंट सिक्स जीरो इंटू पावर माइनस नाइनटीन कुलम Q2 equal to charge of proton plus 1.60 into 10 power minus 19 coulomb. अब इस formula में हम put करते हैं वन बाई फोर पर एफसेल नोट का वैल्यू होता है नाइन इंटू टेन पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर अब ये वैल्यू हमने पुट कर दिए अब यहाँ पर देखो बेटा आर मुझे मालूम नहीं है जो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है तो आर को हमने ऐसे ही छोड़ दिए अब यहाँ पर सिंपली इसको तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन तो टू फिफ्टी सिक्स होता है डिसमल के बाद वन डिजिट इसमें जीरो का कोई वैल्यू नहीं है डिसमल के बाद वन इसमें आपने

जहाँ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एम ई -E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम पी मास ऑफ प्रोटॉन आर स्क्वायर हमने इसकी वैल्यू पुट की 6.67 पॉइंट सिक्स पावर माइनस एलेवन ये वैल्यू सब बेटा आपको याद करके रखना है इलेक्ट्रॉन का मास होता है नाइन 10 पावर माइनस थर्टी वन और प्रोटॉन का मास होता है वन भी लेते हैं वन लिया है इंटू पावर माइनस अब हमें दोनों का रेशियो ही निकालना था तो हमने ऊपर वाला नंबर लिख दिए और ये अपॉन में जाएगा तो अपॉन में हम इसको उलट के डायरेक्ट लिख दिए इससे क्या हो गया एक स्टेप हमें बच गया यहाँ पर मुझे स्टेप नहीं दिखाना है यहाँ आंसर क्विकली मुझे दिखाना है अब यहाँ देखो बेटा इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई है तो बच्चे तो मल्टीप्लाई में ही आपको घबरा जाते हैं तो आपके सिंपली यहाँ पर देखो नाइन इंटू टू पॉइंट फाइव सिक्स अलग लिख लिया टेन पावर माइनस थर्टी एट और ये नाइन है हमारे पास तो ये आपके हो गए बचे हुए रह गए टेन पावर माइनस ट्वेंटी नाइन ऐसे ही नीचे में जो है नाइन पॉइंट वन है इनका भी मल्टीप्लाई हमने यहाँ रख दिया अब देखो बेटा इसके मल्टीप्लाई में जैसे अब कैसे मल्टीप्लाई करो यदि आप एक्यूरेट मल्टीप्लाई देखो बेटा एमसीक्यू में आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है आपको ये नहीं रहता है कि आप कितना एक्यूरेट निकालते नियर अबाउट वैल्यू आप निकाल सकते हो तो देख लो हमने क्या किया नाइन को नाइन पॉइंट वन से कट कर दिए आराम से कट गया और हमने फिर लिख दिए हैं देख लो एक लाइन और लिख लो टू पॉइंट फाइव सिक्स अब यहाँ पर वन पॉइंट सिक्स सिक्स जो है इसको हम वन पॉइंट सिक्स कंसिडर करके कट कर देते हैं इसको तो देख लो टू पॉइंट यहाँ पर कट करेंगे और पहले टेन का जो पावर था यहाँ पर हम रहने दे टेन का पावर नीचे में हमारे पास हो गया माइनस सिक्सटी नाइन इसको हम ऊपर लेके चले गए अब कटिंग के लिए कैंसिल आउट करने का 2.56 टू पॉइंट फाइव सिक्स है तो इसको सिंपली हम वन पॉइंट सिक्स ले लिए इससे कट करेंगे तो वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा यहाँ पर देख लो टू पॉइंट फाइव वन पॉइंट सिक्स कंसिडर किए अब इससे हमने यदि हम डेसिमल भी हटाना चाहेंगे तो इस तरह से किए तो इससे इसको कट किए आपके देखो टू फिफ्टी सिक्स सिक्स हट गया हमारे पास अब सिक्सटीन से टू फिफ्टी सिक्स को कट किए तो सिक्सटीन और ये हमारे पास बच गए एट बाई थ्री एट बाई थ्री तो थ्री से हम डिवाइड जब करते हैं तो देख लो बेटा टू पॉइंट एवरेज एकूरेट निकालने की जरूरत नहीं है टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर थर्टी नाइन बी इज करेक्ट अब वहां पर यदि आप एकट भी निकालते हैं तो टू पॉइंट सेवन आ जाता है टू पॉइंट एट आ जाता या टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फोर इस तरह के नियर अबाउट वैल्यू आ जाते हैं और इतना हम कंसिडर करके एम का आंसर निकाल लेते हैं इसी तरह से देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है अट्रैक्टिव फोर्स ऑन स्मॉल ऑफ चार्ज अब ये हमारे पास स्मॉल ऑफ चार्ज है जीरो पॉइंट टू ये है बेटा ड्यू टू अनोदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुल में अट्रैक्शन होगा अब यहां इन एयर इज दिस ये फोर्स दे रखा है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल टू एज दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है अब यहाँ पर हमने आंसर तो लिख दिया इतने सारे दिए हुए है तो आंसर हमने बी लिख दिया लेकिन बी आंसर कैसे होगा तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लाव

एफ हमारा 0.4 न्यूटन है ये सारे वैल्यू हम पुट किए पुट करने के बाद देखो आर स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे जीरो को यहाँ ले आते हैं अब आपके क्या हो गए देख लो यहाँ पर डिसमल देखते हैं डिसमल में मिस्टेक नहीं होता इसको हमने कुछ नहीं अभी छेड़े के देखो एट के कारण पॉइंट जीरो है तो वन पर टू डाल दिए अब फोर है तो इसके बदले में पॉइंट था तो ऊपर हमने लिख दिया इस हंड्रेड से ये कट गए जैसे हम कट करते हैं तो टेन पावर देख लो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया यहाँ टेन बच गया टेन सेवर माइनस ट्वेल्व अब ये देखो यही न्यूमेरिकल पूछता है सीबीएसई में तो आपको बना के दिखाना है लेकिन यदि आपको एमसीक्यू है तो आपको रफली निकालना है तो नाइन टू जटीन ये हो गए आर स्क्वायर की वैल्यू तो आर इक्वल टू देख लो बेटा है तो, टू इंटू थी इंटू थी तो पावर फोर है ये तो निकल गया टेन पावर माइनस टू ये निकल गया थ्री रूट टू अब आंसर में थ्री रूट दिया रहेगा तो वो लिखेंगे और नहीं तो रूट टू का वैल्यू आपको याद रखना है थ्री से मल्टीप्लाई किए फोर पॉइंट टू फोर टू थ्री डिजिट तक आ गया हमें थ्री डिजिट तक लेने की जरूरत नहीं है या यहाँ भी रहने देते हैं इंटू टेन पावर माइनस टू लेकिन आंसर में जो है आपके नहीं है, 4.2 नहीं आया 42.4 है पॉइंट मतलब हमने इस नंबर को बड़ा कर दिए तो यहाँ पर 10 का पावर माइनस वन बढ़ा दिए हेंस बी इज करेक्ट अब आप इस आधार पर आप देखो यहाँ पर हो गया फोर्टी टू पॉइंट फोर इंटू टेन पावर माइनस थ्री डिसमल को आगे पीछे करके बच्चे फोर पॉइंट टू फोर देख लेंगे टेन पावर माइनस टू लेकिन नहीं इसे हम बढ़ा देंगे इस आधार पर आप ये क्वेश्चन भी निकल गए अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज का ना मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फोर्स था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक्सलरेशन इतना बन गया फिर से चेक कर लो अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन कोलम्बिक फोर्स The 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 acceleration acceleration of 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 an electron is 2.5 10 power 22 meter per second square. Then magnitude of acceleration of a proton under under same 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 action of same force, under the action of same force, force. मतलब यही फोर्स यदि हम प्रोटॉन के ऊपर लगा देते हैं तो क्या होगा हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर लगाने से देख लो क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर अब आप देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट में हमने थर्ड लगाए हैं लेकिन थर्ड केवल अंदाज से लगाने से नहीं होता बना के देखना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू तो पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी पर सेकेंड स्क्वायर तो फोर्स फोर्स हमारे पास गिवन है एफ इक्व टू एम ए नाइन पॉइंट वन ये हमारा फोर्स निकल गया इतना फोर्स की वैल्यू थी वहां पर अब जब ये फोर्स बेटा आपके निकल गए फॉर ए इक्वल टू एफ अपॉन एम पी क्योंकि हमने ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन पावर माइनस नाइन अपॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी सेवन लिखा अब यहाँ पर डेसिमल हटा दो यहाँ पर डिसमल के बाद दो डिजिट ऊपर भी है दो डिजिट नीचे भी है तो डिसमल गायब कर दो ये हो गया ट्वेंटी टू सेवन फाइव अपॉन वन सिक्स अब इससे हमें डिवाइड करेंगे थोड़ा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यदि देखो बेटा थर्टीन पॉइंट सेवन जीरो इंटू टेन पावर एटीन निकल गया अब यहाँ पर डिसमल को हम लेफ्ट साइड ले चलते हैं तो टेन का पावर बढ़ा देंगे क्योंकि टेन

देखो आपको ध्यान से देखना है हम हर बराबर आपको कहते हैं ये क्वेश्चन का एक पैटर्न सा हम बना के दे रहे हैं और इसी पैटर्न के आधार पर आपको जो है एम सी क्यू क्वेश्चन आएंगे साथ साथ इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा यदि आप ये एम सी क्यू तैयार कर लेते हो कुछ कठिन भी है कुछ हल्के भी है हल कठिन इसलिए है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है हल्का इसलिए है कि फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है अब इसी के आधार पर आपका नेट का भी तैयारी हो जाएगा और साथ साथ जेई मेन का भी तैयारी हो जाएगा इसलिए आप लोग सीबीएसई का शुक्रगुजार मानो कि उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन चालू कर दिया पेपर अब देख लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द एक्सलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन When they are One angstrom apart. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अब इनके निकालना है सिंपली देखो दो दो आंसर दिए हैं एक्सलेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देर म्यूचुअल अट्रेक्शन के कारण दोनों पर कितना फोर्स लगेगा वेन दे आर वन एंगस्ट्रम अपार्ट अब आपके दो आंसर है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना लगेगा और प्रोटॉन के ऊपर कितना लगेगा सॉरी <coughs> अब यहां पर देखते हैं बेटा आंसर तो हमने सी लिख दिए हैं अब आपको सॉल्यूशन निकालना है अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ एफ ही टू वन बाय फोर पाए एफ सेलन नोट Q1, Q2 बाय R स्क्वायर यहाँ पर अब Q1 जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया Q2 आपके प्रोटॉन के चार्ज हो गए दोनों चार्ज 1.6 पॉइंट सिक्स पावर माइनस नाइनटीन है यहाँ पर हमने साइन का केयर नहीं किया है साइन रहता तो नेगेटिव रिजल्ट आता है मीन्स फोर्स इज एट्रैक्टिव हमने साइन का यूज नहीं किया यहाँ पर लिख दिया आर स्क्वायर तो 10 पावर माइनस टेन का स्क्वायर अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो सिक्सटीन वन पॉइंट ये सिक्सटीन इंटू के बराबर टू होता है तो 9 1.6 अलग कर लिए और 10 का जो पावर माइनस -19 है माइनस -19 ही है तो दोनों मिलकर 38 हो जाते हैं तो माइनस -38 और ये 9 पॉजिटिव है और नीचे वाले को यहाँ पर स्क्वायर है तो 10 पावर 20 हमने डायरेक्ट कर दिया। अब आपके देख लो यहां तक तो 10 पावर 20 है तो डिवाइड से बच गए केवल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आपके बच गए 29 और 9 2.56 10 पावर -29 प्लस 20 ये रिजल्ट आ गया इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसको करने पर मुझे मिला है ट्वेंटी जीरो अब देख लो बेटा आपसे पूछा था जो इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सलेशन बनेगा और प्रोटॉन में कितना बनेगा तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं एफ एक

चलो एक आंसर हम निकाला इसी तरह से हमने प्रोटॉन के लिए एक्सलेशन निकालते ए पी लिख दिया हमने एफ अपॉन एम पी तो ट्वेंट एफ हमारा पहले से निकल चुका है ट्वेंटी थ्री पावर माइनस नाइनटीन लेकिन प्रोटॉन का मास होता है वन पॉइंट पावर माइनस ट्वेंटी अब यहाँ पर डिसमल दो डिजिट है बेटा तो आपने डिसमल जैसे निकालते हैं तो पर देख लो हमने क्या क्या है एक तो टेन पावर माइनस नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन कर दिया और यहाँ पर एक डिजिट हमने ले लिया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स ले लिया एक डिजिट इसको भी आगे कर लिया टू थर्टी पॉइंट फोर एक एक डिजिट अब यहाँ पर एक्यूरेट मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है टू थर्टी को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगा अप्रोक्सीमेट निकल गया फोर्टीन पॉइंट थ्री अब कई बच्चे का तो सर एक्यूरेट भाई एक्यूरेट मल्टीप्लाई एमसीक्यू में करने की जरूरत नहीं पड़ते हैं हाँ यदि आपको सीबीएसई में पूछा है तो आप एकट मल्टीप्लाई करके एकट आंसर बनाओगे सीबीएसई में नहीं अब ए को डिशमल को हम राइट लेफ्ट साइड ले गए तो टेन पावर वन बढ़ गया हमारा निकल वन पॉइंट फोर थ्री इंटू टेन पावर नाइनटीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ऊपर जो देखते हैं तो ऊपर देखो आंसर में क्या दे रखा है तो आपके इसका निकल गया था सी में टू पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी और ये वन पॉइंट फोर लिखा है तो टेन पावर नाइनटीन करेक्ट इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट हुआ अब देख लो बेटे इसी तरह से आप आपके सामने है क्वेश्चन एम सी क्यू ऑन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यहाँ पर कई चार्जेस जो अभी तक आपने पढ़ा केवल एक चार्ज के कारण दो चार्ज के कारण मल्टीपल चार्जेस का मतलब कई सारे चार्जेस हैं जिसको आपको देखना है

वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड फ्रॉम ए ए से हट के सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स कर मतलब ए जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है ये आपके दिखा दिया है डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पर आपका ये हो ए पर है q चार्ज बी पर है -3 q चार्ज डी पर ये अब मुझे मालूम नहीं है जो भाई किस पर क्या लगना है क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो हम अब कैलकुलेट करते हैं देखो इसी को हमने यहां पर क्यू रखा और यहाँ पर अट्रैक्ट पर, पर तो करता तो इधर लग जाते, इसका इस साइड रखे P पॉइंट पर हमने ट्यू क्यू रख दिया लेट अ चार्ज टू क्यू बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए

तो दोनों फोर्स का रिजल्ट जीरो हो गया तो इसलिए दोनों फोर्स को हम सम करके निकाल देते हैं दोनों इक्वल और अपोजिट हो गया इसलिए हमने ये लिख दिया देखो वन एफ सेलन टू क्यू इन टू क्यू क्यू के कारण अपॉन एल स्क्वायर और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया वन बाय फोर पाई एफ सेलन और टू क्यू थ्री क्यू एल प्लस डी स्क्वायर एल प्लस डी स्क्वायर देख लो बेटा इन ये तो यहां से एल डिस्टेंस पर था एल तो स्क्वायर लिखा लेकिन बी के लिए ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से डी और प्लस एल डी प्लस एल डिस्टेंस हो गया अब इसी आधार पर देखो जैसे ये लिखोगे आपको देखने में तो लंबे चौड़े लगते हैं लेकिन देखो ये और ये कैंसिल हो गया वन बाय फोर पा एफसेल इधर और वन बाय फोर पा एफ कैंसिल हो गया अब इसी में देखो टू क्यू इधर है टू क्यू इधर है ये भी कैंसिल हो गया अब हमारे पास q अपॉन एल स्क्वायर बच जाएगा यहाँ थ्री क्यू q, तो q को भी हमने कैंसिल कर दिया वन से तो देखो इधर बच गया केवल 1 upon L square, इधर बच गया थ्री अपॉन एल प्लस यहाँ तक देखो कई बच्चे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो हमने भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए लेकिन नहीं अब यहाँ पर देखते हैं इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है यदि तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो ये बन जाएगा मुझे उतना करने की जरूरत नहीं इधर भी स्क्वायर रूट ले सकते हम अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट थ्री एल इक्वल टू एल प्लस डी अब इधर एल है तो एल को इधर ले आए ये हमारे पास डी के बराबर हो गया अब तो आपके यहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं रूट थ्री माइनस वन एल क्वल टू डी एल इक्वल टू डी अपॉन रूट थ्री माइनस वन अब यहाँ पर ऐसा कोई आंसर है नहीं हमारे पास मजबूरी है इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे करेंगे रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो देखो ऊपर का आंसर बन जाएगा और यहाँ पर थ्री स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो डी से इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट तो रूट थ्री डी माइनस minus... ऐसा रूट थ्री डी और प्लस डी ऊपर में आ गया और नीचे में थ्री का स्क्वायर टू और माइनस वन ये रिजल्ट आ गया अब हैंड्स देखो अब आपके आंसर अपने आप दिखेंगे ये हमारे पास देखो इन्होंने आगे पीछे लिखा है तो रूट थ्री डी पहले लिखा है प्लस इसलिए हमने रूट थ्री प्लस डी प्लस डी अपॉन टू थ्री हैंस बी इज करेक्ट इस तरह से b हमारा आंसर करेक्ट है समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों अब इस तरह से देखो जितने क्वेश्चन हम करा देते हैं कम से कम इसको तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो पेपर होंगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगा अब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कंसिडर चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रेंगल ऑफ इच साइड एल एक हमारे पास इक्विलेटर ट्रेंगल है जिसके साइड का लेंथ एल है और क्यू क्यू माइनस क्यू चार्जेज है सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग टोटल फोर्स कितना लगेगा देखो ये देखने में जितना लगता है, उतना हल्का है नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं फिर भी हमें मिला है तो हम दे रहे हैं तो देख लो बेटा इसको निकालने का तरीका पहले तो आपने ए बी सीट्रेटल बना लिए A पर क्यू रखा क्यू वन बी पर क्यू टू Equal to B Q और C पर Q3 equal to minus Q। अब देख लो हम एक A पर चलते हैं। A पर आपके जो फोर्स लगेंगे कौन-कौन F12 और F13 ये फोर्स लगना है। तो हमने वेक्टर हटा दिए वेक्टर फॉर्म में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख देखलो F12 पहले ये निकाल लो F12 इसके और इसके बीच में रिपल्सन होगा जिसकी डायरेक्शन इधर है। F12 q into q upon l square along b से a की तरफ देखो बेटा मुझे MCQ की तरह निकाल के दिखाना है तो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा तो बेटा तो 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 जितना फोर्स इस पर इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर इधर लगेगा इसलिए इक्वल टू एफ टू वन लिख दिया ए बी दोनों का रिजल्ट क्या हो गया मुझे वन बाय फोर पाई एफ सैलन और क्यू स्क्वायर बाय एल निकल गया देखो एक निकाले दो निकल गया अब चलते हैं यहाँ पर देखो बेटा एफ वन का डायरेक्शन इधर है मतलब इस लाइन के पैरेलल है इसलिए F1 को हम चलते हैं, B, C, A के चल रहा है B, C, A के चल रहा है और F2 का डायरेक्शन इधर है ये इसके पैरेलल है समझो ए सी एस की तरफ ये जा रहा है तो इसका मतलब दो फोर्स लग रहे हैं इस पॉइंट पर और दोनों का रिजल्टेंट आपका इस तरफ से निकल गया रिजल्टेंट में हम क्या जानते हैं दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इंटू बीच का एंगल बीच का एंगल सिक्सटी डिग्री है क्योंकि के सारे एंगल 60 होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल इसलिए तो हम सबसे पहले एफ वन निकाल देते हैं यहाँ पर देख लो एफ वन हम निकालते हैं इस डायग्राम में एफ वन टू स्क्वायर प्लस एफ वन थ्री स्क्वायर प्लस टू एफ वन टू इंटू टू एफ वन थ्री ये हमने ट्रेंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने निकाल दिया ये रिजल्ट स्क्वायर में लिख दिया यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है इसलिए इधर का एंगल बचेगा सिंपली पुट कर दो वन ट्वेंटी डिग्री अब इसको रिजल्ट निकालते हैं तो देखो एक रिजल्ट निकालना है बस बाकी सब अपने आप निकल जाएगा वन बाय फोर पा एफसेलो नोट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये भी वही है तो वन बाय फोर पा एफसेलो नोट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर टू इंटू वन बाई फोर पा एफ एल क्यू स्क्स माइनस वन बाई टू ये टू और ये टू कट गया और इस माइनस के कारण इस साइड माइनस आ जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में देख लो ये रिजल्ट ऐसे ही लिखा हमने ये रिजल्ट ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पर तो ये और ये तो कैंसिल हो गया अब रिजल्ट देखो बेटा यहाँ हम निकाल लेते थे एफ वन का तो यही एफ वन स्क्वायर का निकला था f1 निकालेंगे तो रूट डाल देंगे रिजल्ट क्या आ गया एप्सॉन की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सॉन नॉट इनटू q स्क्वायर बाय l स्क्वायर और यही डायग्राम में हमने क्या कहा जितना इसका निकलता है इतना ही f2 का भी निकलता है अब इस कंडीशन में c पर जो फोर्स लगेगा f1 ये f1 हो गया और ये आपके f2 के बराबर हो गए इन दोनों का भी हम लॉ पैरेललोग्राम से निकाल देते हैं रिजल्ट अब सिमिलरली देख लो हमने एफ टू भी निकाल दिया अलोंग दिस और आपके एफ फोर भी निकाल दिया अब दोनों का रिजल्ट प्लस प्लस एफ टू स्क्वायर टू एफ वन इसका भी रिजल्ट निकाले तो हमें क्या निकल गया फाइनल दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर छूट गया यहाँ पर स्क्वायर डालना वन बाय फोर पाइप नोट वन बाय फोर दिस रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास देखो यहाँ पर एफ फोर का स्क्वायर ये निकल गया एफ फोर का स्क्वायर ये निकल गया, note, और सारे नंबर सेम है थ्री है तो हमने थ्री लिख दिया और ये नंबर लिख दिए एफ फोर और रूट डालेंगे तो रूट थ्री बाहर आ गया वन बाय फोर पा एफ साल नोट क्यू स्क्वायर बाय वायलोंग सी से टी की तरफ अभी आप से सी से टी की तरफ देखो बेटा सी से टी की तरफ करें मतलब ये आर एस और ये इन दोनों का रिजल्टेंट सी से टी की तरफ ये निकल गया अब ये एफ थ्री वन और एफ थ्री टू का रिजल्ट निकालते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा अब देख लो यहाँ पर एफ थ्री निकालने जा रहे हैं तो एफ थ्री का स्क्वायर एफ थ्री का स्क्वायर इसका भी रिजल्ट आपका ऊपर हम लिखे हैं सेम ही होते हैं तो ये वैल्यू पुट किए टू इंटू वन बाई टू रिजल्ट क्या हो गया यहाँ भी देख लो सेम नंबर सेम नंबर यहाँ भी स्क्वायर छूट चुका है सॉरी इसको होल स्क्वायर डालो बेटा और यहाँ पर होल स्क्वायर है ही ये तीनों मिल के फिर यहाँ भी वही रिजल्ट आ गया इस तरह से ये इस फोर्स का डायरेक्शन हो गया एलॉन्ग सी जेड देख लो ये आपके सी जेड हो गया ऊपर सी टी था ये सी जेड हो गया ये और ऊपर सी टी दोनों इक्वल और अपोजिट है इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में लिखे हैं देखो एफ थ्री एंड एफ फोर आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल इच अदर हेंस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो निकल गया बेटा याद हो तो चार्ज दिया हुआ था इसलिए चार्ज के हिसाब से निकालना पड़ गया यदि आपको नहीं तो आप सिंपली एफ के हिसाब से भी निकाल सकते इसको भी एफ मानते उसको एफ मानते ऊपर वाले को थोड़ा अलग मान लेते अब आपके देख लो क्वेश्चन नंबर ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू एज एस इन फिगर ये फिगर की रेशियो ऑफ चार्ज क्यू एंड क्यू यहाँ पर देख लो बेटा यहाँ पर ए ए पर आपका प्लस क्यू है और बी पर आपका प्लस क्यू है इन दोनों के मिड पॉइंट पर आपके ओ मिड पॉइंट है जहां पर हमने क्यू चार्ज रखे हैं। तो कहते हैं इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का रेशियो बताइए अब इसमें देखो बेटा ये सब सिंपल क्वेश्चन है ये सॉरी ये मिस्टेक है आंसर ये जीरो हमने लिख दिया गलत है डी है सही है एक्सप्लान सो फोर्स बायर एक्स स्क्वायर वन बाय फोर पा एफ क्यू क्यू अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो देखो बेटा इसके ऊपर इसके ऊपर फोर्स कौन लगा ये इसका फोर्स हमने ये लिख दिया और इसी के ऊपर ये भी लगाएगा इनके बीच का डिस्टेंस है टू एक्स यही पर बच्चे गलती करते हैं ये एक्स है ये एक्स यहाँ पर टू एक्स के बराबर हो गया अब इस आधार पर यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हमने यही कर दिया है देखो वन बाय फोर फाइव सोट वन बाय कॉमन होके जीरो है तो कट जाएगा बच गया क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इसको हम उस साइड ले चलते हैं आर एच एस में अब इससे क्या हो गया देख लो आपके X square, X square कट यहां Q Q कट गए से और भी जाएंगे तो इक्वल टू तो Q, Q के हो गया माइनस वन बाय फोर साइंस डी करेक्ट आंसर लिखने में हमने मिस्टेक किए थे करेक्शन कर लो आगे बैठे समझ में अब क्वेश्चन नंबर

देखो यहाँ पर थ्री माइक्रोकुल है ये थ्री माइक्रोकुल है यहाँ पर आपका डी फोर माइक्रोकुल है और बी पर भी माइनस फोर अब इन सब क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन निकालने लगोगे तब तो टाइम लगेगा तो सी में यदि बनाने के लिए कहता है तो बना के दिखाओगे अरे तो सिंपली देखो ये ए पर जो फोर्स है वो सी की तरफ लगेगा और उतना ही फोर्स सी से ए की तरफ दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल कर देगा इसी तरह से B पर लगने वाला फोर्स और D पर लगने वाला फोर्स भी दोनों एट्रेक्टिव है लेकिन दोनों इक्वल और अपोजिट है इसलिए ये भी कैंसिल कर देगा तो रिजल्ट फोर्स यहाँ पर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा फिर भी बना के हमने दिखा दिया है जीरो अब यहाँ पर जो निकालते हैं हमने क्या किया इसको Q1 इसको Q2 इसको Q3 इसको Q4 हमने मान लिया अब बना के दिखाने के लिए देख लो F01 इस जीरो पर लगने वाला फोर्स

एफ जीरो टू इधर अट्रैक्ट हो रहा है एफ जीरो फोर इधर अट्रैक्ट हो रहा है ये भी दोनों इक्वल और अपोजिट है क्योंकि चार सेम है इसलिए यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगा आर अट्रैक्टिव फोर्स एफ जीरो टू एफ जीरो फोर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसल इच अदर हैंस टोटल फोर्स ऑन वन माइक्रो कूलम इज जीरो हैंस डी इज करेक्ट इसलिए डी हमारा ये करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थ्री चार्जेज ऑफ इक्वल एक वर्टिश्रक्रक ट्रेंगल है जिसके वर्टिसेस पर इक्वल चार्जेज रखा गया है साइड उसका है. पर जो रखेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा अब यहाँ पर देख लो बेटा फिर से अगेन देख लो थ्री चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q, Q placed placed at at vertices of 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 an equilateral triangle triangle side l. The 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 force on a charge capital Q, placed at the centroid of the triangle is Answer जीरो लिखे हैं। कैसे देख लो वैसे जब आप लामी छोड़े में निकालते सारे चार्ज इक्वल हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल क्यू रखा है इसके बीच का फोर्स इधर लगेगा एफ वन यहाँ जो एफ टू है ये इधर लगेगा एफ थ्री इधर लगेगा तीनों फोर्स इक्वल है देखो एफ टू और एफ थ्री का रिजल्टेंट एफ फोर इधर चला गया और एफ टू एफ वन सेम उतना ही है, तो दोनों और अपोजिट होते हैं इसलिए कैंसिल कर देंगे कैसे थे तो बना के देख लो सी बी एस ई में तो बनाने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले ट्रेंगल यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया अब ये एंगल थर्टी डिग्री हो गया क्योंकि तो एक्वलट्रेट एंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होता है मेडियन भी वही होता है तो ये थर्टी डिग्री है तो ए डी का लेंथ हम निकालते हैं ये ए डी का लेंथ तो ए डी इक्वल टू ए बी कॉस थर्टी डिग्री एल इंटू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री एल बाई टू ये निकल गया डिस्टेंस तो तो निकल गया हमारे पास या ए है

अब इस आधार पर देखो बेटा इस आधार पर जैसे आप निकालते हो तो इस आधार पर देखो तो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल दिया f2 ऑफ 3 के लिए f2 स्क्वायर f3 स्क्वायर 2 f1 f2 cos 120 डिग्री अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है √3 3q स्क्वायर 4π का होल स्क्वायर कट गए ये रिजल्ट आ गया अब हमारे पास F4 ये निकाले है और F3 बेटा यही है। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये निकल गए हमारे पास तो ये F3 और F4 दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में देख लो एफ फोर ऊपर की तरफ है एफ थ्री एफ वन नीचे की तरफ है दोनों इक्वल और अपोजिट है इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर एफ फोर एफ आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल अदर रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू ई जीरो देखो प्यारे बच्चों इस तरह से हम प्रयास करेंगे अब तो इंस्टीट्यूट भी खुल गया है बोर्ड पर भी हम लाइव क्लास दे सकते हैं और इस तरह से जैसे आप कहते हो क्लास देते रहेंगे आप हाँ लेकिन हमें आप लोगों से सहयोग की ज़रूरत है आपको ये लेक्चर सही लगते हैं इस तरह का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सही लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बी डी गुरुकुल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो जिससे दूसरे बच्चे के पास भी जाएगा और वो बच्चे भी इसका बेनिफिट उठाएंगे थैंक यू किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाल देना विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे और इस तरह से आप लोग तैयारी करो ये समझो एक सुनहरा मौका मिला है आप लोगों को फोर्टी मार्च के पेपर होंगे फोर्टी मार्च के पेपर होंगे आपके अक्टूबर नवंबर में होगा तो कोई कहता है नवम्बर दिसंबर लेकिन आप अक्टूबर नवंबर के मान चलो वन मंथ बिफोर ही तैयार करके बैठ जाओ सारे एम सी क्यू क्वेश्चन है ये कहने के लिए एम सी क्यू था लेकिन बगैर बनाए संभव नहीं है कई जगह तब ब्रेन लगाओगे तो बन जाएगा लेकिन ये जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एम सी क्यू का क्वेश्चन आसान लगेगा और आसानी से आप अपना काम कर सकते हो थैंक यू